भले ही भारत सरकार और प्रदेश सरकार कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दे रही हो, सभी को सुविधाएं मिले इसके लिए प्रयास कर रही हो, परंतु प्रशासन में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के चलते सरकार की योजनाओं में पलीता लगता दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक मामला दमोह रेंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम जमुनिया हजारिका का है, जहां रंगमंच के नाम पर सिर्फ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सामग्री की राशि निकाली गई और मामले को रफा दफा करने का प्रयास चल रहा है। वहीं रेंजर महिपाल सिंह और डिप्टी रेंजर प्रकाश शुक्ला के ऊपर ग्रामीणों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मीडिया द्वारा रेंजर महिपाल सिंह पर लगाए गए आरोपों पर उनसे चर्चा करनी चाहिए तो वह कैमरा से बचते नजर आए, लेकिन उनके द्वारा मोबाइल पर स्वीकार किया गया कि ये राशि निकाली गई है और काम चालू होने के लिए कहीं और सामग्री रखाई गई है। वहीं इस मामले पर डिप्टी रेंजर प्रकाश शुक्ला का कहना है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। वहीं ग्राम के वन समिति के अध्यक्ष, सरपंच तथा ग्रामीण गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये आपका नाम क्या है? उमेश तिवारी। तिवारी जी, सुना है कि आप वन समिति के अध्यक्ष भी हैं, सही है जी। आज हम जमुनिया हजारी में खड़े हुए हैं, सही है जी। यहाँ एक मनोरंजन घर बनने जा रहा था, या चबूतरा है जिसको भी जो भी कहा जाए, रंगमंच का चबूतरा है, माता के मंदिर के पास, सही है जी। तो वो निर्माण कार्य अभी नहीं हुआ है अभी तक, ये भी बात सही है? हाँ जी, सही है। क्या कारण है, आपको क्या लग रहा है? ये हम नहीं बता सकते, हमने भी जानकारी दी थी, रेंजर साहब को दी थी, अपने जो डिप्टी साहब हैं उनको जानकारी दी थी, लेकिन वो बोल रहे थे होगा होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, 6 माह से नहीं हुआ वो काम। 6 माह हो गए हैं, और 6 माह से वो गड्ढे भी वहाँ खुदे हुए? गड्ढे वो अभी 2 माह पहले हुए थे, गड्ढे 2 माह पहले हुए हैं। आप क्योंकि वन समिति के अध्यक्ष हैं और फॉरेस्ट चाहिए कुछ हो रहा है, कितनी लागत से, मतलब लगभग कितने लाख रुपए का है वो, ऐसी कोई जानकारी है? इसकी जानकारी तो हमको नहीं, इसकी जानकारी डिप्टी साहब को होगी, लेकिन उसमें ये है कि मतलब उसमें 1.75 के करीबन जो मजदूरी वर्ग का है वो बस पैसा बचा हुआ है। 1,75,000 मजदूरी वर्ग का ही पैसा बचा हुआ है, बाकी पैसा टेंडर द्वारा जो सामान था वो टेंडर कर दिए गए। अच्छा, उसके टेंडर वेंडर को, वेंडर जो है वो वेंडर के उसमें चला गया क्या पैसा? पूरा टेंडर में चला गया है, कोई गिट्टी वाला कोई सीमेंट वाला है, इस वजह से पूरा चला गया वहाँ पे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, अगर मान लीजिए काम नहीं होता है तो क्या सही है गलत? ये तो वन विभाग की लापरवाही है, शुद्ध लापरवाही है ना। आप वन समिति के, क्योंकि ये तो 4 लोगों का काम था, गांव का काम है, वन समिति के आप अध्यक्ष हैं और इस नाते आपके पास भी अधिकार दिए हैं, आप इस अधिकार का प्रयोग करते हुए कुछ शिकायत करेंगे या कोई कार्रवाई? तो वो तो हम पहले से भी कर रहे थे, लगातार शिकायत कर रहे हैं, मौखिक कर रहे हैं, अभी लिखित में नहीं। रेंजर साहब को भी हमने मौखिक फोन लगा के, रेंजर साहब का क्या कहना है? रेंजर साहब बोल रहे थे होगा काम, होगा काम, बस यही कह रहे हैं। चल रहा है ये कुछ भी, मतलब कितने लोगों तक ठेका पहुँचाया? कम से कम 3-4 लोगों के पास पहुँच चुका है, 3-4 लोग देख चुके हैं यहाँ। आपका नाम जान सकते हैं? जी सर। बबलू आदिवासी है, सरपंच हैं आप? जी सर। आपके ग्राम में कुछ कार्य हुए हैं और कुछ अधूरे पड़े हैं, सही है? पूर्ण है, पूर्ण है। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि एक चबूतरा फॉरेस्ट के तरफ से है, आपके ही ग्राम का है, मनोरंजन के लिए बनाया गया था या स्वीकृत हुआ है, सही है? करीबन 6 माह हो गए। हाँ, इंजीनियर साहब आए थे, रेडियो साहब आए थे, सामने स्पॉट में एक कहीं के ठेकेदार भी आए, तो उनने पूछी हमने कि गए भाई पंचायत हो क्यों नहीं दे, कहले से पंचायत का कोई रोल नहीं। अच्छा। हमने ये अध्यक्ष का, कहले इसका भी नहीं। हमने कहा जब पंचायत का और अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है तो पंचायत की एन ओ सी क्यों नहीं दी? नहीं, कह लगे कुछ नहीं है अध्यक्ष साहब भी, कह लगे ठीक है एक काम करेंगे तो हम करेंगे, ना कोई नहीं करेगा। इसके अलावा वे भाग गए, कहला ठीक है रेंजर साहब ने उनका जो भी हो गया उसके कारण 6 माह से रुका है काम। कितनी लागत का बनना था, ऐसा कुछ जानकारी है आपको? 3.5 लाख की लागत भी लोग बता रहे थे, क्योंकि जो मुंशी जी हैं ये बता रहे थे, यानी लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत का था बनना है, उसमें से 60 और 40 कह रहे थे
मजदूर 60 मजदूर के आधार पर, हाँ वो 40 कह रहे थे बिलों के आधार पर इसका पेमेंट होगा, यानी 60-40 का रेशो है, 40 का रेशो होगा, रेशो बना है। अच्छा, तो इसके अलावा हमने पूछे इसका एस्टीमेट दिखाओ, कहले वन विभाग में कोई एस्टीमेट नहीं देख के देखने मिलता, हमने क्यों नहीं मिलता, पंचायत को देखा थे फाइलें बनती तो एस्टीमेट तो मिलता है, उन्होंने कोई एस्टीमेट बताओ। तो इसके लिए आप दोषी किसको मान रहे हैं, कौन है यहाँ घोटाले में लफड़े में कौन जो कर रहा है, आपको आपके अनुसार क्या लग रहा है, क्योंकि आप भी अनुभवी जनप्रतिनिधि तो हैं। उसका इसमें कोई रोल नहीं है, जो शुक्ला जी रेंजर साहब उन्होंने कहा मेन रोल है उसमें क्या, पैसे का। तो शुक्ला जी कहलाए डिप्टी रेंजर, और रेंजर कौन है, रेंजर है हमारे यहाँ पे महीपाल, महीपाल सिंह रेंजर। तो ये गड़बड़ उनका है पूरा। भैया का नाम आपका, हल्लू सैन, हल्लू सैन। आज हम जमुनिया में खड़े हैं गांव में जी। माता जी के मंदिर के पास है ना, यहाँ पे सुना है कि कोई मनोरंजन घर बनना है जी। सही है हाँ। ये गड्ढे खोदे हुए कितने टाइम हो गए इनको, इनको लगभग एक महीने हो गए, एक महीने हो गए गड्ढे खोद के डाल दिए हैं हाँ। कौन बना रहा है, ये ठेकेदार का तो हमको मालूम नहीं है हाँ। आदमी लगे थे वो बोल ले के हमको मंजूरी पे काट आने गड्ढे खोदने को लगाया, मैं तो गड्ढे खोद रहा हूँ हाँ। गड्ढे खोदने के लिए लगा दिया यहाँ पर गड्ढे खोदे हुए हैं हाँ। पर आपको तभी मालूम पड़ा कि जो मनोरंजन गड्ढे खोद गए, इसके बाद में हमको मालूम चला कि गड्ढे खोद गए मनोरंजन घर बनने के लिए हाँ। अच्छा, कौन बना रहा है ये नहीं जानकारी, नहीं ये मालूम नहीं, कि ऐसी जानकारी आई है कि कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बन रहा है या किसकी तरफ से बन रहा है, ये कोई जानकारी नहीं, नहीं ये नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो गड्ढे खोदे हैं फिर काम गड्ढा खोद के ही डाल दिया गया हाँ, गड्ढे खोद के डाल दी, काम नहीं लगाया, काम नहीं लगा। मजदूर कहाँ के थे, वो दमोह के थे, दमोह के मजदूर आए थे और यहाँ खोद के चले गए, चले गए। हमको तो शाम को मालूम चला के गड्ढे खुद गए मनोरंजन भवन। आपका मकान बाजू में है हाँ। क्या परेशानी हो रही है, उसमें पानी भरा है और सीढ़ जा रही मेरे घर में, आपके मकान में सीढ़ जा रही है पानी भरने के कारण हाँ। आपने इसकी शिकायत कोई से की, नहीं किसी से नहीं की मैंने शिकायत, कोई से नहीं की अभी तक, कोई आया भी नहीं, नहीं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए दमोह से अमर चौबे की रिपोर्ट।